गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्कि कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्कि कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और
आखिरी सॉन्ग है वो है नाजा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10/4.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10/4.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है
प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह है हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है,
और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और इस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया, और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं,
मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो बस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर और धवल भद्र और विभा राज और अमित राम गोपाल और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और कल्की कोचलिन और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिला है 10 में 4.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर और धवल भद्र और विभा राज और अमित राम गोपाल और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और कल्की कोचलिन और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी।
और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और कल्कि कोचलिन और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा शकीर, धवल भद्र और विभा राज और अमित राम गोपाल और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और कल्कि कोचलिन और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि गाइज मैं यहाँ पर कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह है हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइज वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइज मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह है हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी हुई। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र और विभा राज और अमित राम गोपाल और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और कल्की कोचलिन और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी हुई। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र और विभा राज और अमित राम गोपाल और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और कल्की कोचलिन और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है
प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइज वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र और विभा राज और अमित राम गोपाल और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और कल्की कोचलिन और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है,
और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और इस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हावर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिला है 10.4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया, और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हावर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिला है 10.4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे
मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्कि कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्कि कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी के जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की।
तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पर कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइज वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइज मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिला है 10.4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिला है 10.4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि गाइस मैं यहाँ पर कोई मूवी क्लिप या फिर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10/4.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10/4.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज़ के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है
प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाय नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाय नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है,
और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और इस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी हुई। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया, और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं,
मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो कोई ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिया और जिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पर कोई मूवी के लिए यहाँ पर कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह हैं हार्वर्ड रोजमेयर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है मुदस्सर अजीज के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया फरहजान शेख के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मिर्जा सकीर, धवल भद्र, और विभा राज, और अमित राम गोपाल, और विशाल गुर्रानी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा, और कल्की कोचलिन, और अर्सला गोनी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई शकील खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत एस राठौर के द्वारा और संदीप कुरुप के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए निश्चल जावेरी के द्वारा और सचिन गुप्ता के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया समीर निचानी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो है ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स। और गाइस मूवी को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 92 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो गई 87 लाख की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना शुक्रे, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है नाच बसंती, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ना जा बाई नंदनी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जिया और जिया थीम, गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है ना जा। तो गाइस मूवी के सॉन्ग वन टाइम है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिला है 10.45 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब इतनी खास रेटिंग है नहीं, मीडियम से मतलब काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप इसको मतलब मूवी को देखोगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मतलब आनंद भी नहीं आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।